हेलो स्टूडेंट, आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एक मोबाइल ऐप को किस तरह से बनाया जाता है। तो हमें एक सिंपल मोबाइल ऐप बनाना है, जैसे कि यह एक मोबाइल ऐप है। इसमें दो ही स्क्रीन है, पहला तो ये व्यू स्क्रीन है और दूसरा है प्रोजेक्ट डिजिट स्क्रीन है। जैसे ये स्क्रॉल हो सकती है, दूसरी स्क्रीन जो है इस तरह से है कि हम उसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बैक जा सकते हैं, फिर वापस दूसरी स्क्रीन को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये है कि कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से शुरू करें, एक मोबाइल ऐप बनाने का क्या अप्रोच है। तो पहला चीज़ तो ये है कि किस किस सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है और किस टेक्नोलॉजी पे हमें ऐप बनाना है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है? एंड्रॉइड स्टूडियो एक आईडी का मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ऐप को बनाया जाता है। और एंड्रॉइड स्टूडियो गूगल का ही है और ये एकदम फ्री है, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा किस टेक्नोलॉजी पे हमें ऐप बनाना है, वो जो यूज़ कर रहे हैं फ्लेटर है। फ्लेटर क्या है? फ्लेटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो एक टूल है जिससे हम फास्टली ऐप बना सकते हैं। इसे डिटेल में अभी हम कवर करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है और एंड्रॉइड आईडीई क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि हम एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए एक तो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, दूसरा फ्लेटर डाउनलोड कर लेना। फ्लेटर और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों ही गूगल के हैं। मैं फ्लेटर की वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो फ्लेटर एक फ्रेमवर्क है जो कि ऐप बनाने में यूज होता है, बिल्ड ऐप फॉर एनी स्क्रीन। तो ये दोनों ही बहुत ही डिमांडिंग है, फ्लेटर काफी एडवांस है और काफी फास्ट ऐप इससे बन पाता है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें किस चीज की आवश्यकता है? पहले तो हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए या एक डेस्कटॉप, और लैपटॉप या डेस्कटॉप की रैम जो है वो 8 GB से ज्यादा होगी या 8 GB होगी, तभी एंड्रॉइड स्टूडियो स्मूथली चल पाएगा। किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, उसमें फ्लेटर को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। बाकी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा किस तरह से हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें किस तरह से इंस्टॉल करके फ्लेटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को बस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि हम एकदम स्क्रैच से पूरा प्रोग्राम बनाएंगे शुरुआत से, ताकि एकदम क्लियर हो सके स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हम यहाँ से न्यू फ्लेटर प्रोजेक्ट करेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसका कि हम कुछ नाम दे देंगे। तो हम इसका नाम दे देते हैं फ्लेटर टेस्ट 1। तो हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है फ्लेटर टेस्ट 1। तो यहाँ पे जब भी हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट प्री बिल्ड बना हुआ एक प्रोग्राम आता है। तो ये एक प्री बिल्ड प्रोग्राम है, इसमें जो ये डबल स्लैश से लाइन शुरू हो रही है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बस कमेंट है, यानी कि ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता। एग्जीक्यूट का मतलब रन नहीं करता। तो फ्लेटर जिस लैंग्वेज में काम करता है वो लैंग्वेज है डार्ट, यानी कि फ्लेटर प्रोजेक्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब डार्ट लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो इसमें हम फ्लेटर एज वेल एज डार्ट लैंग्वेज को भी समझेंगे, किस तरह से डार्ट लैंग्वेज में ये पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हम एंड्रॉइड स्टूडियो से, यानी अपने लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट करके प्रोग्राम डायरेक्ट मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से एमुलेटर ओपन कर सकते हैं। एमुलेटर क्या होता है? वर्चुअल मोबाइल होता है जो कि हमारे लैपटॉप में चल जाता है। यहाँ से ये एमुलेटर हम ओपन कर देंगे और ये वाला प्रोग्राम एमुलेटर में डाल के देखेंगे तो पता चल जाएगा ये किस तरह का प्रोग्राम है, क्या इसमें फंक्शनलिटी है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो भी इम्पोर्ट लिखा है इम्पोर्ट पे, इसका मतलब है कि फ्लेटर में बहुत सारे पैकेजेस प्रीबिल्ड बने हुए आते हैं। जैसे कि ये मटेरियल पैकेज है, मटेरियल पैकेज का मतलब ये प्रीबिल्ड मटेरियल डिजाइन में प्रोवाइड करता है जो कि एक ऐप में इनिशियल जरूरत पड़ती है। तो साइड बाय साइड हमारा मॉनिटर ओपन हो रहा है। तो डिटेल में इसे समझेंगे एक एक लाइन को किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो पहला जो हमारा सबसे पहले लाइन है ये है वाइड मेन। वाइड मेन का मतलब ये मेन फंक्शन है जो कि प्रोग्राम रन होना है। रन का मतलब कंप्यूटर यानी कि मोबाइल हमारा किस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करेगा। तो यही किसी ऐप का एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहीं से ऐप रन होना स्टार्ट होगा।
वाइड मेन, और इसमें क्या रन होना है, ये लिखा है फंक्शन रन ऐप। अब रन ऐप क्या है, एक फंक्शन है जिसमें कि हमें रन कर देना है किसे, माई ऐप को। तो इधर हमारा एमुलेटर जो है स्टार्ट हो, एमुलेटर बस सिंपल सा एक वर्चुअल मोबाइल है, ये बिल्कुल मोबाइल की तरह काम करता है। अब हमें ये प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं है कि यहाँ पर अगर हमने इससे अपना मोबाइल कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे हमारा मोबाइल भी शो होता, तो यहाँ पे ये एमुलेटर शो हो रहा है कि इसका मतलब ये से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इसे रन कर देंगे, देखो यहाँ पर जब आते हैं तो इस पर लिखा था रन मेन डार्ट, यानी कि इसे रन जो मेन डार्ट हमारा फंक्शन है, मेन डार्ट का मतलब ये वाली फाइल, जो ये फाइल खुली है इसका नाम है मेन डॉट डार्ट, तो ये लाइब्रेरी के अंदर होती है, यहाँ पे लाइब्रेरी फोल्डर होता है उसके अंदर ये वाली फाइल होती है। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाती है, इतना मैं और चीजों को समझा देता हूँ। तो बेसिकली मेन जो ऐप है इसके अंदर एक हमारा रन ऐप करना है, यानी कि इस ऐप को रन कर दीजिए। किस ऐप को रन करना है, माई ऐप को, जो हमारा माई ऐप क्लास बनी हुई है। इसे भी हम समझेंगे कि क्लास क्या होती है और किस तरह से काम करती है। फिलहाल बेसिक चीजें बिल्कुल डिटेल में तो सीखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए ये पूरी सीरीज ही बनाऊंगा। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज किस तरह से ये हमारा काम करेगा। तो ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये इधर इस तरह से दिख रहा है, ये ऊपर एक इसका हेडिंग है और ये लिखा है नीचे बीच में, यू हैव परचेज बटन दिस मे टाइम प्रेस्ड, यानी कि हम ये सिंपल बस इतना ऐप है कि हम अगर यहाँ पर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो काउंटर है बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इसे हम फुल स्क्रीन पे ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर हेडिंग है, ये है, ये बटन है, हम बटन प्रेस करते हैं तो ये संख्या इंक्रीज हो जाती है। बस इतना सा एक छोटा सा एक बेसिक ऐप है, लेकिन इसे समझने के लिए भी बहुत सारी इनिशियल चीजें हमें सीखनी होंगी, तो हमें फिर पता चलेगा किस तरह से काम करता है। तो फ्लैटर में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, पहला तो है डिजाइन, डिजाइन का मतलब जो भी हमारा ये लुक है, अपीयरेंस लुक, उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरा है फंक्शन, यानी कि किस बटन पर क्लिक करने पर क्या चीज इंप्लीमेंट हो। तो डिजाइन का मतलब ये फिक्स डिजाइन है, अब फंक्शन का मतलब है कि अगर हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या एक्शन कर रहा है, वो हमारा फंक्शन है। तो फ्लैटर में विजिट होती है, विजिट क्या होती है कि जो भी हमारा स्क्रीन डिजाइन ये बना हुआ है इसके छोटे छोटे एलिमेंट जो है वो एक सिंगल विजिट होती है, जैसे कि ये ऊपर बैनर टाइप का है यानी कि हेडिंग, ये एक अलग विजिट है, ये नीचे टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट विजिट है, इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये बटन है। तो ये इस तरह से आप नीचे देखोगे तो ये क्लास बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जितने भी कमेंट उसे डिलीट कर देते हैं, वरना ये हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये सब हम डिलीट कर देते हैं, कमेंट की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने डिलीट कर देते हैं सभी कमेंट। हाँ अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहां से शुरुआत हुआ था माई ऐप। माई ऐप एक क्लास है जिसके अंदर मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप पहले से बनी हुई क्लास है जो कि यहाँ से मटेरियल पैकेज प्राप्त होती है, और इसके अंदर है होम। होम का मतलब है कि मटेरियल ऐप जो है हमारा उसके अंदर क्या हमें कॉल करना है, तो वो है हमारी क्लास माई होम पेज। क्लास का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होती है और इस तरह से प्रोग्राम क्लास बाई क्लास रन होता है। तो इस चीज को बहुत डिटेल में हम आगे सीखेंगे, फिलहाल हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरह से ऐप काम कर रहा है। तो माई होम पेज है, तो जो भी क्लास होती है, क्लास दो तरह की होती है, एक तो सिर्फ फंक्शनल क्लास और एक होती है डिजाइन वाली क्लास, यानी कि जो क्लास हमारे डिजाइन बनाती है तो वे डिजाइन वाली क्लास कहेंगे, और जो क्लास में सिर्फ फंक्शन फंक्शन है, डिजाइन नहीं बनाते, तो वो दूसरी तरह क्लास है। तो जो ये क्लास है एक्चुअली ये एक डिजाइन बनाती है, यानी कि ये विजिट प्रोवाइड करती है। तो ये कैसे पता चलता है ये विजिट बनाएगी, तो यहां पर हम देखेंगे ये जो भी लिखा हुआ है ये अभी आपको बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा क्या क्या चीज लिखी है। तो बेसिकली आप ओवरव्यू समझिए कि मैं जो बता रहा हूं कि वो क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो माई होम पेज है ये क्या कर रहा है, एक विजिट को बना रहा है। विजिट का मतलब डिजाइन,
आप विजिट का मतलब डिजाइन समझिए, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारी विजिट बनाने, विजिट का मतलब डिजाइन के जो छोटे छोटे पार्ट है वो सिंगल एक विजिट कहलाते हैं फ्लैटर में। यानी कि जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये सिर्फ डिजाइन का एक पार्ट है, तो ये एक तरह की विजिट है। विजिट का मतलब एक सिंगल यूनिट, डिजाइन की सिंगल छोटी छोटी इकाई को विजिट कहते हैं। तो जो हमारी ये वाली क्लास है माई होम पेज, जो कि ऊपर रन हो रही है, ये क्या कर रही है कि हमारा एक विजिट बिल्ड कर ली है। यहाँ पर लिखा है फंक्शन विजिट बिल्ड, इसका मतलब विजिट बना दो। विजिट बना दो का मतलब है कि ये चीज है डिस्प्ले कर दो। तो डिस्प्ले क्या कर रही है, तो डिस्प्ले के अंदर है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्ड एक मोबाइल का डिजाइन होता है, ये भी फ्लेटर जो हमारे फ्रेमवर्क है उधर से मिला है। तो स्कैफोल्ड के अंदर चार पांच चीजें होती हैं, ज्यादा भी होती हैं लेकिन मेनली चार पांच चीजें ही यूज होती है। पहला तो है ऐप बार। ऐप बार का मतलब क्या है, ऐप बार का मतलब है ये हमारा ऊपर जो बैनर टाइप का दिख रहा है, ये हेडिंग, ये ऐप बार कहलाता है, ठीक है। और इसमें टाइटल दिया जाता है, टाइटल, तो विजिट टाइटल। तो इसे हटा के हम कस्टम कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं माई फर्स्ट टेस्ट पेयर प्रोजेक्ट। तो यहां पर अगर हम इसे, अगर ये वाला बटन दबाते, इसका मतलब पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रिलोड करेगा, ठीक है। और ये होता है हॉट स्टार्ट, हॉट रिलोड, इसका मतलब इंस्टेंटली सिर्फ इसे ही चेंज कर देगा। तो हम ये कर दो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, माई फर्स्ट टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ आ गया। इसका मतलब ये ऐप बार है। ऐप बार के नीचे है बॉडी। बॉडी का मतलब है कि जो भी ये हेडिंग हमारा ऊपर वाला है, इस पूरे हेडिंग के अलावा जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा पोर्शन बॉडी कहलाता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर है लगा हुआ सेंटर। सेंटर का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है बॉडी में बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। ये कमेंट डिलीट कर दे, कमेंट का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए है। और ये वाला, और बॉडी के अंदर है कॉलम। और कॉलम का मतलब है कि दो चीजें कॉलम वाइज रखी है, एक के ऊपर एक। तो पहला है ये टेक्स्ट, जो कि हमारे ये टेक्स्ट आ रहा है, इसे हम चेंज कर देंगे तो उधर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। और नीचे है काउंटर, जो काउंटर की वैल्यू है। और सबसे नीचे है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये भी इसके फोल्ड का एक पार्ट है। फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक बटन जो कि ये वाला बटन है, ये वाला, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। और ये क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है ये फंक्शन कर रहा है, वो हम डिटेल में नहीं समझेंगे। ये कवर भी था कि ये ऐप कैसे काम कर रहा है। हम ये सबको डिलीट करके पूरा प्रोग्राम नया बनाएंगे, इसे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो लाइन ऐसी ही रहेगी, इस लाइन को जरूरत नहीं है करनी। फिर दूसरा जो ये वाली क्लास है माई ऐप, तो इसे भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मटेरियल डिजाइन प्रोवाइड करती है, हमें वो चाहिए ही है, तो इसे हम नहीं डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये वाली क्लास जो है माई होम पेज, इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसे हम यूज नहीं करेंगे, हम स्क्रैच से पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर एरर देगा। एरर का मतलब ये है कि अब ये मिल नहीं रही कि माई होम पेज कहाँ है भाई, वो सब मिल ही नहीं रही, हम डिलीट कर चुके हैं। तो इसे भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब डिलीट करेंगे तो ये क्या करेगा कि एरर देगा कि इसे एक क्लास चाहिए, क्या चीज करना है। तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेंगे, मान लीजिए उसके लिए हम क्या करते हैं, STF लिखेंगे। तो एक STF लिखते हैं, स्टेटफुल आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्लास बना देगा, इसका नाम रख देंगे जैसे माई फर्स्ट क्लास। तो ये अभी बस नाम रखा है क्लास का, उसमें करना क्या है वो अभी हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पे इसे इसका नाम ये होम के अंदर इसे यहाँ पर असाइन कर दें, इसका मतलब है होम में ये वाली क्लास चला दो। और ये क्लास क्या है, अभी अगर हम इसे अभी रन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी वो ब्लैंक है, उसमें हमने कुछ बनाया नहीं है। तो यहाँ पे एकदम ब्लैंक दिखा रहा है कोई, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लैंक आ रहा है। प्रोग्राम तो है लेकिन प्रोग्राम में है कुछ नहीं, वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो माई होम क्लास के अंदर जो विजिट बिल्ड, इसका मतलब है ये डिजाइन बनाने का पार्ट है, ये भी हमें बनाना है पहले। तो यहाँ पे सबसे पहला हम जो लेंगे वो लेंगे, मान लो मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड ले लेता हूँ। स्कैफोल्ड का मतलब है ये एक डिजाइन प्रोवाइड करता है, SCAFF स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड में ऊपर ऐप बार था, नीचे बॉडी थी। फिलहाल हम बॉडी ही लेंगे, ऐप बार बाद में देखेंगे। बॉडी,
अब बॉडी के अंदर ले लेता है कंटेनर। कंटेनर का क्या काम है? कंटेनर मतलब एक सिंपल सा बॉक्स, ठीक। और इसका कलर दे देता है कलर, इसे कलर को इस तरह से लिखते हैं, कलर सेमी कोलन कलर डॉट रेड ग्रीन। यहाँ पर कलर ऐसे दे सकते हैं, बहुत सारे प्रीबिल्ड कलर हैं, रेड ऐसे मान लो मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये एक कंटेनर बना देगा डिस्प्ले पर जिसका कलर ये है। इसका हम चेंज कर दें कलर डॉट, अगर मैं इसका ये वॉयलेट कर देता हूँ तो ये इस तरह कलर दिखा देगा। तो बेसिकली हमने करा क्या, सिर्फ एक कंटेनर लेके बॉक्स बना दिया, उसका कलर दे दिया, ठीक है। तो हमारे कंटेनर के अलावा हम इसमें बहुत सारी प्रीबिल्ड बनी हुई विजिट है, कंटेनर अपने आप में एक विजिट है। अब हमें अगर कंटेनर का साइज देना है, यानी कि कंटेनर को बताना है कि कंटेनर कितना बड़ा है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर साइज देना पड़ेगा, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट। तो हाइट मान लीजिए इसका हाइट दे देते हैं 200 और विड्थ दे देते हैं 200, इसे हम हॉट रिलोड कर देंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि हमने बताया नहीं है कि वो कहाँ फिक्स करना है, तो वो सबसे कॉर्नर लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। और अगर हम इस यहां से हटा के इसके अंदर मान लो मैं इसे कट कर देता हूँ, इसके अंदर सेंटर ले लेता हूँ, यानी कि CNTR सेंटर विजिट। सेंटर विजिट क्या काम करती है कि जो भी चीज इस अब स्कैफोल्ड के अंदर आएगी वो इसके सेंटर में आ जाएगी। अब सेंटर के अंदर आता है चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब सेंटर के अंदर क्या लेना है, तो किसी विजिट के अंदर दूसरी विजिट जब लेते हैं तो वो चाइल्ड लिख के ही लेते हैं, CHILD। इसका मतलब यह है कि अब मैंने क्या करा कि स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर में, यानी कि स्कैफोल्ड के सेंटर में, स्कैफोल्ड का मतलब ये जो ऐप की स्क्रीन है उसे स्कैफोल्ड बोलते हैं, उसके सेंटर में हमें कंटेनर को लेना है। तो अब ये रिलोड कर देंगे तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी पोजिशन को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक की जगह दो कंटेनर लेने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर कोई भी दो चीज हम वर्टिकली लेने, नहीं एक के ऊपर एक, एक के नीचे दूसरे, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं कॉलम। यानी कि सेंटर में हम क्या कर लेते हैं, कॉलम ले लेते, COLUME। और कॉलम में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे, तो मैं जैसे बताया था कि किसी विजिट के अंदर दूसरी विजिट लेंगे तो चाइल्ड करके लेंगे, लेकिन अगर विजिट के अंदर सिंगल विजिट लेनी है तो चाइल्ड लेंगे, और विजिट के अंदर मल्टीपल विजिट लेनी है, जैसे कॉलम, कॉलम का मतलब है चीजों को ऊपर नीचे रखना, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक विजिट लेनी पड़ेंगी, तो कॉलम के अंदर इसलिए चाइल्ड ना होगा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन का मतलब है कॉलम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे आते हैं, जैसे ये एक, तो इस तरह से लिखा है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन के अंदर। तो हमने तीन विजिट ले ली और तीनों का कलर सेम ही है, तो अभी हमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही विजिट, जबकि वो अलग अलग विजिट है। हम अगर इसका कलर चेंज कर देंगे तो यहां से समझ में आ जाएगा कि ये जो है तीन कंटेनर है, इस तरह से, ठीक है। और यही हम क्या करते हैं, अगर हमें ये रो वाइज लेनी है तो कॉलम वाइज लिए, अगर यही हमें रो वाइज लेनी, तो बस ये कॉलम जहां लिया यहाँ पर रो कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलम वाइज ना आके रो वाइज आ जाता। अब यहाँ पे जो ये येलो स्ट्रिप आ रही है, इसका मतलब ये कि हमारा जो डिजाइन है वो स्क्रीन से बाहर जा चुका है, ये इसी को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं, सिर्फ अगर विड्थ का मतलब है कि सिर्फ हम विड्थ छोटा करें, तो पहले कॉलम की, पहले कंटर की विड्थ छोटी हुई, दूसरे की नहीं गई है, तो हम किसी की भी विड्थ राइट अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसका 250 कर दे देता हूँ और विड्थ को कर देता हूँ 80, तो ये अलग डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कॉलम या रोमा हम सेम ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो स्क्रीन में हमें चीजें कॉलम वाइज या रो वाइज ही डिजाइन करनी होती हैं। तो ये तो सिर्फ पहला हमने सीखा आज कि कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर डिजाइन कैसे बनाना है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टेक्स्ट कैसे लिखना है, बटन कैसे बनाना है, वो धीरे धीरे एक बाई एक हम चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो ये हमारा, अब हमने बताया था कि कमेंट क्या होता है। अब कमेंट का मतलब होता है, कमेंट क्या करता है, कंप्यूटर से रीड नहीं करता, सिर्फ हमारे रीड करने के लिए, अगर मैं बीच वाला कंट्रोल कमेंट कर दूंगा, इसका मतलब है ये अब लिखा हुआ है पर ये कंप्यूटर से रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारे लिए है, तो इसका मतलब वो गायब हो। ये क्या है कि कंप्यूटर इस जो भी हम कमेंट में लिख देंगे उसका मतलब है कि वो कंप्यूटर यूज नहीं, कमेंट कर ले उसे दो स्लैश के अंदर लिख शुरुआत कर, तो उसे कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। जैसे इसका
कलर में देता हूं ब्लू। तो यही कमेंट है, तो कमेंट हम करते क्योंकि अगर हमें कोई चीज फिलहाल के लिए बंद करनी है कि उसे नहीं चलाना, लेकिन इन फ्यूचर दोबारा से चलाना है तो उसे कमेंट करते हैं, डिलीट नहीं करते। डिलीट का मतलब वो तो खत्म कर दिया। अब मैं तब जब भी इसे अनकमेंट करूंगा तो ये वापस से रन करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही कमेंट का फंक्शन है, यही चीजें हैं। तो कंटेनर के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रो को जो है कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने रो समझ चुके हैं रो क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि रो के अलावा हम समझे टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। इस अगर मैं पूरी रो को कमेंट कर दूं तो रो देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक ये बना हुआ है, यहां से ये ऐसे भी देख सकते हैं कहां से कहां तक रो है, ये पूरी रो है। इसे इस तरह से ओपन कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जो रो है हमारी इसे कमेंट कर देंगे, दूसरी चीज सीखेंगे। जैसे कि हमें दूसरी चीज सीखनी है स्कैफोल्ड के सेंटर में टैक्स लिखा, तो उसके लिए टैक्स विजिट है और टैक्स विजिट के अंदर हम दे देंगे टैक्स, जैसे माय नेम इज पंकज, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब ये गायब करके बस टैक्स दे देगा, माय नेम इज पंकज। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि वो ठीक से समझ में आए, ठीक है। इसका हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी होती है इसकी स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आता है टेक्स्ट स्टाइल। ये कुछ चीजें आपको इनिशियल याद ही करनी पड़ेंगी, वो धीरे धीरे हम सीख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मान लीजिए मैं इसका देता हूँ फॉन्ट साइज देता हूँ 34, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका कलर फॉन्ट साइज यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर मतलब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे इसका कलर दे सकते हैं कलर कलर डॉट रेड, तो कलर हमेशा ऐसे ही दिया था कलर, और कलर देना है कलर डॉट रेड। तो इस तरह से यहाँ से हम और भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पर कोमा लगाएंगे तो ये बहुत सारे कलर आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कलर हैं, यही कलर नहीं है, ये तो एक तरह से बेस मोटे मोटे कलर हैं, इसके अंदर और भी कलर होते हैं। तो अब यहाँ कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी विजिट है, मान लो इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम डिटेल में भी जानेंगे के करके, लेकिन फिलहाल ये है कि टैक्स इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करना है कि टैक्स को लिखना है, मान लो इसके चारों पर कंटेनर बनाना है, जैसे कि हमने कंटेनर बनाया था उसके अंदर टैक्स को लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं है कि ये यहां से टैक्स जो है इसे डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब यहां पर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं इसे कर देता हूं कंट्रोल एक्स, यानी खत्म कर दिया, अब कर दिया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कलर ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं इसका कलर डॉट अंबर, अंबर यानी कि रेड येलो टाइप का होता है, येलो थोड़ा डार्क होता है। अब ये कंटेनर अंदर चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है किसी विजिट के अंदर दूसरी विजिट को लेना, तो कंटेनर के अंदर चाइल्ड ले लेंगे, चाइल्ड के अंदर वो जो हमने लिखा था टेक्स्ट वाला पूरा वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कट करा था, तो कंटेंट के अंदर टेक्स्ट ले लिया, तो अभी इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो माय नेम इज पंकज, लेकिन क्या कि कंटेनर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कंटेनर के अगर साइज, क्योंकि साइज अब फिक्स नहीं है, जितना भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो वो उतना बड़ा बन जाएगा, उसके लिए साइज देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से साइज विड्थ दे दें इसकी 120 दे देते हैं और हाइट दे देते हैं हाइट 140, तो ये हमारा अब इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब है कि जितना बड़ा कंटेनर है वो उतना बड़ा बन गया, और टेक्स्ट को उसने उसी अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, यानी कंटेनर का साइज देने से टेक्स्ट हमारा उस कंटेनर के अंदर रहेगा। इसके अगर मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, मालूम मैं इसकी विड्थ 300 कर देता हूं, तो अब ये ऐसे उसे टेक्स्ट को नीचे नहीं दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा, लेकिन अभी भी टेक्स्ट जो है अभी कंटेनर के एक साइड में आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट कंटेनर के अंदर सेंटर और सेंटर के अंदर टेक्स्ट लेना पड़ेगा, यानी कि कंटेनर के अंदर सेंटर में टेक्स्ट को दिखाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर मैं इसे ले लेता हूँ टेक्स्ट, इसे यहां से कट कर देता हूँ यहाँ इसे छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्किन इसे भी थोड़ा इधर कर देता हूँ कि इसकी हम जो तभी नहीं है जब होगी तो यहाँ से टेक्स्ट को हटा देंगे, कट सेंटर कंट सेंटर, और सेंटर के अंदर चाइल्ड, क्योंकि एक विजिट के अंदर दूसरी विजिट चाइल्ड बन के ही जाएगी। अब इसे कर देता हूं तो ये अब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे
एक तरीका और है, मैं अगर से अंडू कर दूं सबको, अंडू का मतलब वापस से चेंज जो पहले था वो कर देता हूं। अब मैंने इसे सेंटर के अंदर डाल दूं, उसके लिए मुझे इसे कट करना पड़ा, फिर सेंटर लिखना पड़ा, फिर उसके अंदर इसे पेस्ट करना। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम डबल टैप से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा ये, तो वैप इन सेंटर मतलब जो हमने पूरा प्रोसेस करा वो पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेटिकली कर देगा। तो सेंटर सेंटर इन द टेक्स्ट और इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम जैसे कंटेनर है इसके अगर यहाँ पर कर देंगे वेब विज विजिट, यानी कि इसके ऊपर कौन से विजिट लेनी है वो ऐसा हम कर सकते हैं। मान लो इसके ऊपर मैं दूसरी विजिट ले लेता हूँ विजिट, और उसके अंदर कंटेनर कर देता हूँ कंटेनर, और उसका कलर देता हूँ कलर डॉट रेड, और इसकी विर्थ जो दे देता हूँ विर्थ हाइट इसकी अंदर वाले कंटेनर से बड़ा कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा ऊपर वाला कंटेनर उसके अंदर अंदर वाला कंटेनर हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो दिखा देता हूँ इसके 340 और हाइट दे देता हूँ रेड, इसका कलर दे देता हूँ मैं रेड। अब ये कर देता हूँ ये, यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। हाँ ये, तो इसका मतलब है कि कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर का साइज कुछ भी हो वो उसके ऊपर ही फिट हो पा रहा था, तो इसलिए उसे सेंटर में रखना पड़ेगा, उसे इन्हें बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर प्लेस करना है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पर मंडू कर देते हैं। तो एक वीडियो में सारी चीजें बताना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसीलिए हमने इस सीरीज को पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, यानी कि हर वीडियो लगभग 20 मिनट की होगी और एक पूरी सीरीज, क्योंकि अभी हम वो जो हमने शुरू में दिखाया था एक वीडियो ऐप यानी कि मोबाइल ऐप वो बनाना है, तो उसके लिए जो भी इनिशियल चीजें हैं थोड़ी थोड़ी वो अलग अलग हमें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद दूसरी वीडियो भी आज ही आ जाएगी जल्दी ही, मैं उसे बनाकर डाल दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप इस हम सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आगे की चीजें हम जरूर कवर करेंगे, ऐसा मत समझना कि वीडियो खत्म हो गई है, बस ये एक पार्ट है, इसका अगला पार्ट दूसरा बने, ताकि वीडियो एक वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे।